इसी तरह से बाबर आजम को गेम अपनी अप करनी है। मैं समझता हूं कि टेस्ट क्रिकेट में उनके पास नंबर चार के ऊपर बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट खत्म हो जाती है और फिर आपके पास अच्छी आपको बैटिंग कंडीशंस मिलती है। मगर क्या वो करें, क्योंकि अगर माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, एक डिफेंसिव माहौल बन गया हुआ है, एक हारने का माहौल बन गया हुआ है, और टैक्टिक्स और सिलेक्शन के थ्रू अपने मकसद को आप डिफीट कर रहे हैं, तो फिर आगे नहीं जा सकते। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है। हमारे लड़के समझते नहीं है कि यार देखो, जब तक आपका एटीट्यूड जावेद भाई की तरह नहीं होगा, जब आप बॉलर के साथ नहीं लड़ोगे, जब आप क्रीज से बाहर आके नहीं खेलोगे, ट्राई आउट करो यार, थोड़ा स्टांस चेंज कर लो, कोई आगे चल के खेल रहा हो, क्रीज के बाहर खड़ा हो जाओ, अगर उसको चांस देते रहोगे एक जगह बॉलिंग करने का, वो आपको जान से मार देगा आपको, तो वो कैसे आपको छोड़ेगा। वहां से हमारी बदकिस्मती कि हमारे बैट्समैन हाथ खड़े कर गए और बिल्कुल ही शैकल्ड अप हो गए। मुझे समझ नहीं आया क्यों खुदा ना खासा बाबर दूसरी इनिंग में भी रन नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम के 50 भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि अगरचे वो पूरे अगले आंदा बरस के जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उसमें भी अगर 50 नहीं करते, तब भी शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि आप बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरें, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, और जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और मुझे याद है पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बाबर आजम की वजह से ही जीतता रहा है उस वक्त, आज भी अगर बाबर आजम रन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो बात होती है कि यार अपनी पिच के ऊपर बांग्लादेश कौन सा हरीफ है, उसके खिलाफ कौन सा रन करके आपने क्या कर लेना, ये तो अब हमें इंपॉर्टेंस पता चली है कि नहीं, बांग्लादेश के बॉलर भी बड़े तगड़े बॉलर हैं, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की निस्बत वो ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं इस टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है ना, इनको देखा जाए तो हमारे बॉलर से ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं। शायद बहुत लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके तमाम बॉलर अपने हमारे तमाम बॉलर से तेज बॉल कर रहे हैं। ये भी बाबर आजम की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन मसला है, इसलिए कि जैसे स्पिनर आते हैं स्टैटिक हो जाते हैं, फंस से जाते हैं, चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, या तो उनको स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट कुछ करना है अगेंस्ट स्पिन, या फिर कदमों का इस्तेमाल करके और डोमिनेट करना है, क्योंकि वो डोमिनेशन फैक्टर खत्म हो जाता है जैसे स्पिनर आता है। सो यहाँ पे बाबर आजम को भी बहुत काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान को मौका मिला एक बड़ा टोटल छापने का, लेकिन पाकिस्तान ने अगेन वही गलती कर दी जो सिंस पार्टीशन करता आ रहा है कि बैटिंग हमें मरवा देती है, और सिर्फ पार्टनरशिप चाहिए थी यहाँ पे, स्ट्रोक मेकिंग तब चाहिए जब लूज बॉल मिले। लेकिन यू नो इट बड़े मज़े का एक चांस पाकिस्तान के पास आया था जहाँ पे 350 या 400 टांग सकता था, लेकिन अगेन पाकिस्तान का कोई स्टार बैट्समैन रन नहीं कर सकता। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि एज अ बैट्समैन आपको करना क्या है यार, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड रियली डिसअपॉइंटिंग। बट अगेन सारा ब्लेम आई पुट इट ऑन द पाकिस्तान बैटिंग पाकिस्तान की इंतहाई दर्जे की, परले दर्जे की बैटिंग की, और पाकिस्तान ने कोई कैपिटलाइज नहीं किया। फिर वो तो उनकी समझ नहीं आती है कि वो खेलते भी हैं और हर मैच खेलते हैं वो, मगर उससे कुछ सीखते नहीं है और इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। So, ये देखने पड़ेंगे सबके रोल्स के, इनके रोल्स क्या हैं और कितने चांसेस देने हैं हमने। आईपीएल की जो सर्किट है उसमें इतने ज्यादा आप एक्सपोज होते हैं टू क्वालिटी बॉलिंग या क्वालिटी बैटिंग कि आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम जो है ना वो जल्दी से भी हो सकता है। सो इस हार से सीखें, ऊपर उठें, डिसअपॉइंटमेंट देखें। अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, आपने बड़ा नाम कमाना है, तो ये वो सिचुएशंस होती हैं। देखें उसके ऊपर कैपिटलाइज ना कर पाए और जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन हो तब आपका फायदा कौन ही है। अगेन बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम हैज टू कम आउट विद समथिंग गुड बिकॉज इस तरह नाम नहीं बनते। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा रोज जो पहला दिन साबित हुआ बारिश के वजह से कल खेल नहीं हो सका। पाकिस्तानी टीम 275 रन बना सकी, 120 पर पाकिस्तान की एक विकेट आउट हो चुकी थी। शान मसूद और जो दूसरे साइम अयूब थे उन्होंने जरूर हाफ सेंचुरी स्कोर की, शानदार बल्लेबाजी, 57 और 58 रन बनाए दोनों प्लेयर्स ने। सलमान अली आगा ने एंड में आकर जरूर शानदार हाफ सेंचुरी स्कोर की, मगर
बार फिर बाबर आजम की बात की जाए, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान या सऊद शकील, सबके सब नाकाम रहे। बाबर आजम से बड़ी इनिंग्स डी होती, मगर एक बार फिर थोड़े से अप कलर दिखाई दिए बाबर आजम अपने बल्लेबाजी के दौरान, जो ज्यादातर गेंदों को एज कर बैठे। इन साइड एज पर सिंगल और डबल जरूर हासिल की बाबर आजम ने, मगर उनके बल्लेबाजी में वह झलक दिखाई नहीं दी जो एन पम बल्लेबाज की बैटिंग में दिखाई देता है। तो बाबर आजम से बड़ी इनिंग्स डी होती, मगर वह एक बार फिर नाकाम हो गई। बात की जाए बांग्लादेशी गेंदबाजी की, तो मेहदी हसन मेराज ने एक बार फिर 5 विकेटें हासिल कर डाली और पाकिस्तानी टीम 275 रन बनाकर खेल के पहले ही दिन ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने अपने बैटिंग के 2 ओवर्स में 10 रन बनाई। पहली ही गेंद पर स्लिप में साउथ शकील ने कैच गिराया मीर हमजा की गेंद पर, और जो कमी शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी में दिखाई दे रही थी वह मीर हमजा ने पूरी करने की कोशिश की, मगर फील्ड ने साथ नहीं दिया और बगैर नुकसान के बांग्लादेश 10 रन बना चुका है। तो अगर कहा जाए कि पहला रोज कंप्लीटली बांग्लादेश के नाम रहा तो गलत नहीं होगा। मुश्किल विकेट जरूर है, मगर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट कर डाला। तो क्या कहना था पहले रोज के खेल पर बाबर आजम की नाकामियों पर पाकिस्तानी मीडिया का? कंप्लीट वीडियो आपने देखी, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा।